हरे कृष्णा। तो आज मैं बात करूंगा एंड रिसाइट करूंगा 3 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका ऑफ श्रीमद भगवद गीता दैट आर 1.1, 2.7 एंड 2.20। वेरी फर्स्ट श्लोका। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमः कुर्वत संजय। तो इस श्लोक में धृतराष्ट्र जी जो हस्तिनापुर के राजा हैं वह संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे पुत्रों तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। Means he is inquisitive about what did the sons of Pandu and his sons did in the battlefield of Kurukshetra. तो अब संजय उन्हें पूरा बताते हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से क्या कहा और कैसे अर्जुन अपने ही परिजनों को अपने सामने युद्ध के लिए देखकर नर्वस हो गए और अब 5 कारण दिए उनसे युद्ध ना करने के। उसके बाद जब अर्जुन ने अपने सारे कारण बता दिए तो वह भगवान को समर्पित हुए और उन्होंने 2.7 यह वाला श्लोक कहा। कार्पण्य दोषोपहतस्व भावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेहस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम्। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरी कार्पण्य दुर्बलता की वजह से मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि धर्म क्या है। व्हाट इज ड्यूटी? आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी। उसके बाद वो कह रहे हैं, प्लीज टेल व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। एंड आई एम योर डिसाइपल नाउ, प्लीज गाइड मी। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत हूँ, कृपया आप मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन अब उन्हें क्या समर्पित हो गए हैं। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण 2.20 में अर्जुन को बता रहे हैं, न जायते व्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्या बता रहे हैं कि जो आत्मा है वह अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, और जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा नहीं नष्ट होती, आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती और शरीर के साथ आत्मा भी मरती नहीं है। शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है। तो ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। अगर इन तीनों श्लोकों को मैं समराइज करके बता दूं तो पहले श्लोक में तो धृतराष्ट्र अपना कंफ्यूजन और अपनी क्यूरोसिटी जता रहे हैं कि क्या हो रहा है संजय, मुझे कृपया बताओ। दूसरे श्लोक में अर्जुन अपना कंफ्यूजन जता रहे हैं और उनको क्या कृष्ण जी को समर्पित हो रहे हैं। और तीसरे श्लोक में फिर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन यह सब आत्माएं हैं और आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती है और कभी भी मरती नहीं है, भगवान की तरह वह भी शाश्वत तथा नित्य है। तो ये वह 3 श्लोकास्त्र जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवद गीता में। हरे कृष्णा।